हमारा टॉपिक है, उसमें से लॉजिकल क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो देखो, एमएस हमने पढ़ लिए थे, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। और नाइट्रोजन पर क्या होता है? नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण जो अमीन्स का नेचर है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर के ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, रिएक्टिविटी ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन एंड लोन पेयर एट नाइट्रोजन। ठीक है, लोन पेयर को हम क्या कर सकते हैं, एज ए बेस भी काउंट कर सकते हैं और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं ना। जो लोन पेयर देता है वो बेस होता है, या जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, दो प्रकार से काम कर रहा है, एक बेस की तरह काम भी कर रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है। लेकिन हमको देखना क्या है, हमारा टॉपिक ये है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स लोन पेयर। अब देखो, लोन पेयर और बेस और एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर आप एमिन्स की रिएक्शन किसी मिनरल एसिड से करवा दो तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और एक से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब एक सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप इस सोल्ट की रिएक्शन अगर एक बेस से करवा दो वापिस से, तो क्या होगा, वापिस से ये एक्स इसके साथ चले जाएगा। किसके साथ? यहाँ पर मैंने सी एल लिख दिया है, यहाँ पर एक्स आएगा, NX बाहर निकल जाएगा और OH और H क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास 1 डिग्री एमिन बन जाएगा। ये तो बेसिक सी बात है। खैर, अब हमको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमिन्स, एमिन की बेसिसिटी कैसे निकाल, और उसके ऊपर लॉजिकल क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो देखो, अगर आप किसी एमिन्स में, किसी प्रकार के एमिन्स में अगर वाटर मिला दो तो क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा क्या बनेगा, सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, या फिर प्लस आयन इस पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, या फिर लोन पेयर। जैसे हाइड्रोजन, देखो क्या होता है, बेस किसे बोलते हैं पहले तो ये क्लियर करो, ये जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम बेस बोलते हैं, या जो एच प्लस एक्सेप्ट करता है उसको हम भी बेस बोलते हैं। तो यहां से क्या हुआ, ये एच प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। अब यहां से देखो, ये तो लिखा है कि लोन पेयर लुईस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर या एच प्लस एक्सेप्टर जो भी है। अब देखो, ये केपी वर्ड लिखा है, यहां से बच्चों को समझ नहीं आता है केपी क्या होता है। केपी होता है बेस कॉन्स्टेंट, है ना, बेसिसिटी निकालने के लिए। तो देखो, अगर केपी निकालने के लिए आपको कोई निकालना नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल सी चीजें याद रखना, मैं बता दूंगा लास्ट में। देखो, केपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड में आ जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो देखो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, आर एन एस थ्री, और इसके साथ क्या है, OH नेगेटिव। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा ना आपने, जो OH नेगेटिव देता है वो भी तो बेस होता है, पढ़ा है कि नहीं, कि जो एच प्लस एक्सेप्ट करे, तीन डेफिनेशन है इसकी, लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस होता है, या जो OH नेगेटिव देता है वो बेस होता है, जो एच प्लस देता है वो तो एसिड होता है, तो जो OH नेगेटिव देता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो हमको केबी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड में आ जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन कौन से, यहाँ पर दो है, RnH2 है और H2 है। मैंने वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिया है क्योंकि बहुत कम अमाउंट में है ना, उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट हमको पड़ती नहीं। अब यहां से एक रिलेशन निकल के आ रहा है, देखो KB और ये OH, भाई OH नेगेटिव आयन जितने ज्यादा रहेंगे उसका KB का वैल्यू उतने ही ज्यादा रहेगा, लेकिन जो केबी की वैल्यू निकलती है ना वो 0.0012, मतलब इतने पॉइंट में आती है। तो इसको हम निकालने के लिए हम एक वैल्यू यूज करते हैं पीकेबी, ध्यान से देखना है इसकी, पीकेबी निकालने के लिए पीके इक्वल टू माइनस लॉग केबी। अब यहां से रिलेशन आपको करना है कि केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो केबी क्या हो जाएगा, यहां से क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, केबी की वैल्यू ज्यादा कब होगी, OH नेगेटिव जितने ज्यादा रहेंगे केबी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहेगी। एक कॉन्सेप्ट ये है इस इक्वेशन के थ्रू कि OH नेगेटिव जितने ज्यादा रहेंगे केबी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर पीकेबी की वैल्यू निकालनी है तो माइनस लॉग केबी, मतलब ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। तो देखो, यहां से देख रिलेशन निकल के आया है, केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी OH नेगेटिव उतने ही ज्यादा रहेंगे, या उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। OH नेगेटिव ज्यादा तो उसका बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। हमको तो बेसिक नेचर फोकस करना है, ये इतना आपकी जानकारी के लिए कि बेसिक नेचर किसी भी चीज का कैसे निकालते। तो आप तो क्या ध्यान रखो कि OH नेगेटिव जितने ज्यादा रहेंगे बेसिक नेचर भी उतना ही ज्यादा रहेगा। और यहां से जो रिलेशन निकल के आ रहा है, अब देखो केबी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, केबी की वैल्यू
इसके अकॉर्डिंग अगर ओ एच नेगेटिव ज्यादा है तो केबी की वैल्यू भी ज्यादा है, और अगर केबी की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग केबी की वैल्यू ज्यादा है तो पीकेबी की वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। ये आपको सिंपल से याद करना है, पीकेबी की वैल्यू जितनी कम रहेगी उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा रहेगा। पीकेबी वैल्यू वो प्रैक्टिकली डाटा होता है, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं, 0 पॉइंट वगैरह में। आप तो इतना कॉन्सेप्ट याद रखो कि पीकेबी की वैल्यू, एग्जाम में हमको लॉजिक लगाना है, पूछेगा इसका बेसिक नेचर कम होते होता है, तो अगर आपको दिमाग में आ जाए अच्छा बताया था पीकेबी की वैल्यू कम होती है तो बेसिक नेचर ज्यादा होता है पीकेबी की। केबी से हमको कोई मतलब नहीं, केबी तो 0.0 पॉइंट में आता है, तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को पीछे ले जाते हुए इसके हम सिंपल सा नंबर निकाल लेते हैं, 4.2, 1.3, है ना, इसलिए पीकेबी की वैल्यू यूज कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तो पीकेबी की वैल्यू जितनी कम रहेगी उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा रहेगा। बस एक लाइन याद रखो, इतने में से एक लाइन भी आ गई तो हमारा काम हो जाएगा, कि पीकेबी की वैल्यू जितनी कम रहेगी उसका बेसिक नेचर क्या रहेगा उतना ही ज्यादा रहेगा। अब देखो हमको रिलेशन देखना है, यहां से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले काम करो, इतना किसी को समझ में आता है वापस से पूछ लो। आप एक रिलेशन निकल के आ गया हमारा, क्या निकल के आ गया, पीकेबी की वैल्यू जितनी कम रहेगी जो हमको बेसिक नेचर निकालना है वो क्या रहेगा उतना ही ज्यादा रहेगा। तो देखो हमको कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, अमोनिया और जितने भी एल्काइल एमीन है। अमोनिया मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा, NH3, है ना। एल्काइल एमीन मतलब जो भी इसमें 1 डिग्री भी आ जाएगा, 2 डिग्री भी आ जाएगा और 3 डिग्री भी आ जाएगा, हम इनका कंपेरिजन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात लिखी, एक तो प्रैक्टिकल डाटा है हमारे पास कि जो इसका पीकेबी वैल्यू होता है, इसका पीकेबी वैल्यू होता है 4.75 और इनका जो पीकेबी वैल्यू रहता है 3.752। अब ये डाटा याद नहीं करना है आप, लेकिन क्या इस रिलेशन से आप बेसिक नेचर बता सकते हो? थ्योरेटिकल तो हम दे रहे हैं उसका, ये तो प्रैक्टिकली आपको मैं डाटा दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा देखो, अभी क्या बताया, पीकेबी की वैल्यू जितनी कम रहेगी बेसिक नेचर क्या रहेगा उतना ही ज्यादा रहेगा। तो डाटा को देखो, यहाँ पर 4.75 वैल्यू है ना, और यहाँ पर कितनी है, 3.752, 4.22, तो पीकेबी वैल्यू यहाँ कम है, मतलब बेसिक नेचर किसका ज्यादा रहेगा, इनका। तो ऑब्जेक्टिव आएगा आपको, अमोनिया इज लेस बेसिक देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है आपका। अमोनिया इज फिलिंग द ब्लैंक्स बेसिक देन मिथाइल अमीन, क्या आंसर दूंगे? अगर आपसे पूछा है अमोनिया और मिथाइल अमीन बताओ बेसिक नेचर किसका ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? अमोनिया इज लेस बेसिक देन मिथाइल अमीन, ऑलवेज ऑलवेज अमोनिया इज लेस बेसिक देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, समझ रहे हो पेटिक? ये तो हम रीजन दे रहे हैं पीकेबी वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि प्रैक्टिकल डाटा एनसीईआरटी में गिवन था कि इसका पीकेबी वैल्यू होता है 4.75, तो इसका वैल्यू होता है 3.752, 4.22। हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि पीकेबी की वैल्यू जितनी कम रहेगी बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा रहेगा। या एग्जाम में हमको क्या, अब एग्जाम में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन दिया हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, अच्छा दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है, सर ने बताया था पीकेबी वैल्यू कम रहती है, तो किसी किसी भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर मैं बोल देता आपको बताओ एनिलीन और इसमें कंपेरिजन करो, एनिलीन लेस बेसिक होता है ऐसा दे भी दिया है क्वेश्चन, एनिलीन लेस बेसिक देन मिथाइल एमीन, कुछ नहीं आ रहा है, अच्छा तो आंसर दो, अच्छा नहीं एनिलीन का जो पीकेबी वैल्यू होता है, नहीं जो मिथाइल एमीन का पीकेबी वैल्यू होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है। एनिलीन का पीकेबी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है मिथाइल एमीन से, तो इसका बेसिक नेचर क्या होता है, कम होता है। एग्जाम में आपको कोई पॉइंट वगैरह में नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्या लॉजिक लगाओगे आप लोग, ज्यादा लॉजिक थोड़ी लगा सकते हो आप, समझ रहे हो। अब इसका कंपैरिजन भी देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अमोनिया है तीनों से लेस बेसिक होता है, इसका बेसिक नेचर क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका बेसिक नेचर क्या होता है, क्योंकि इस पे क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण अमोनिया की जो अमोनिया का जो नेचर है वो बेसिक कैरेक्टर होता है ना, ठीक है। इससे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हमको इतना ही समझ में आ गया कि बस
बेसिक बेस किसको बोलते हैं जो लोन पेयर डोनेट करता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, या जो एच प्लस एक्सेप्ट करता है वो भी क्या है, बेस है। ठीक है, तो हमने देखा फिर किसका, देखा अमोनिया का केस देखा हमने। वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं, अमोनिया तो इस पे नाइट्रोजन है, इस पे भी लोन पेयर है, 1 डिग्री में क्या हुआ, आर एन एच टू फॉर्मूला बना, इसमें क्या बना, आर एन एच फॉर्मूला बना, 3 डिग्री में क्या बनेगा, 3 आर आ जाएंगे। एक तो हमने प्रैक्टिकली डाटा दे दिया है कि इसका पीकेवी वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या रहता है, लेस बेसिक रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जिसका पीकेवी वैल्यू कम रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा बेसिक रहता है। तो हमने देखा था कि इस इनका तीनों का जो तीनों में तो कंपेरिजन हम करने वाले हैं, लेकिन इसका कंपेरिजन तीनों से करना है, तो इसका पीकेवी वैल्यू क्या था, बहुत कम था, इसलिए क्या है, इसका बेसिक नेचर ज्यादा है, इसका पीकेवी वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए इसका बेसिक नेचर क्या है, कम है। मतलब ये तीनों डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, आई मीन लेस बेसिक होते हैं, नहीं मोर बेसिक होते हैं, किससे, अमोनिया से। ठीक है, अब देखो तीनों में कंपेरिजन करना है, हम तीनों में कंपैरिजन करना है कि कौन अब 1 डिग्री पहले आएगा, 2 डिग्री पहले आएगा, जहां पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो खुद से लॉजिक लगा कि कौन लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है, कोई बता सकता है आइडिया किसी को, तीनों में कंपैरिजन करना है, इसको छोड़ दो, ये तो लेस बेसिक ही रहेगा तीनों से। अब हमको क्या करना है, इन तीनों का कंपैरिजन करना है कि तीनों में 1 डिग्री पहले आएगा, 2 डिग्री पहले आएगा कि 3 डिग्री पहले आएगा, तो आप आपके माइंड का लॉजिक लगा करके कुछ बता सकते हैं क्या, चलो कौन बताएगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बेसिक नेचर पे पूछ रहा हूँ। बेसिक नेचर हम बोल रहे हैं कि जो लोन पे डोनेट करता है वो बेस होता है, लेकिन ऑर्डर बताना हमको कि कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम होता है। तो जो लोन पे जितनी आसानी से डोनेट करेगा वो उतना ही बेसिक होगा। तो देखो यहाँ पर एक इफेक्ट काम कर रहा है, पहले हमको बताना है प्लस आई इफेक्ट से। पहले किससे बताना है, प्लस आई इफेक्ट से बताना है। तो देखो प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को फेंकने वाला ग्रुप, तो देखो आर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फेंकने वाला ग्रुप, तो यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पर 2 बार फेंक रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 3 बार, तो जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वही डोनेट करेगा। तो खुद से लॉजिक लगाओ कि कहाँ डेंसिटी बढ़ रही है, कहाँ लोन पेयर डोनेट हो जाएंगे, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। यहाँ पर एक ही प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को फेंकना, कहाँ किस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, खुद से लगा दो, यहाँ पर बढ़ेगी, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ पर तो और ज्यादा बढ़ेगी, तो सबसे आसानी से कौन सा फेंकेगा, ये वाला, तो इसमें कंपैरिजन क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये हम 2 फेज में देख रहे हैं, गैस फेज में भी और लिक्विड फेज में भी। पहला कॉन्सेप्ट, पहला हमने देखा प्लस आई इफेक्ट, नहीं समझ में आया तो वापिस से पूछ लो आप लोग, प्लस आई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो, क्योंकि 3 थ्योरी मेरे को देना है इसमें। अगर आर एन एच टू में मैं पानी मिला दूं, अभी हमने देखा था, तो क्या करेगा, ओ एच नेगेटिव देगा और एच प्लस क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, आर एन एच 3+, और क्या बाहर हो जाएगा, ओ एच नेगेटिव। कौन सा केस देख रहे हैं हम, ये वाला सेकंड केस है सॉल्वेशन, पहला हमने देख लिया प्लस आई इफेक्ट। अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो क्या बनेगा, आर एन 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 एन, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड डिग्री लेता तो स्ट्रक्चर क्या बनता, आर एन एच, और यहां पर क्या आ जाएगा, आर, और एक और आ जाएगा, 3 डिग्री के केस में क्या हो जाता है, और प्लस चार्ज। ये तीनों मेथड में अप्लाई करना, 2 डिग्री में पानी डालेंगे, 3 डिग्री में पानी डालेंगे, तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आर हो जाएंगे और एक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब देखना, हमने पानी मिला दिया, तो जैसे ही
जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी भाई। कोई चीज आपस में जितनी टकराएगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ पर देखो एसिडिक हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर चार है, तो यहाँ पर H2 आया, यहाँ पर H2 आया, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर देखो एक H2 आया, एक H2 आया, यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो खुद से दिमाग लगाओ एनर्जी कहाँ रिलीज होगी ज्यादा। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है लेस एनर्जी मोर स्टेबल, तो बताओ। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा रहेगा। तो खुद से लॉजिक लगाओ कि अगर, अरे सोचो ना, इसने यहां सुन रहे मेरी बात को, अगर स्नेहा को वैशाली मारने आएगी, हाँ वैशाली अगर मारने आएगी तो स्नेहा मार खा लेगी, खा सकती है या नहीं खाएगी ना, मार कैसे खाएगी, वो भिड़ जाएगी उससे। लेकिन तीनों आ जाए कोचिंग वाले बच्चे, अगर कौन कौन है कोचिंग में, प्रियंका भी है ना, दुर्गा भी है, तो क्या स्नेहा क्या होगा, स्नेहा को तो मार खाना पड़ेगी ना, उसके अंदर की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अगर उसके अंदर की एनर्जी निकल गई तो वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, बैठ जाएगी ना एकदम, सब अच्छा अच्छा कूट दिया उसको अच्छा खासा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यहाँ पर देखो तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज किसमें हो रही है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है समझ रहे हो, ये स्नेहा है और ये तीन बच्चे आए, जैसे इसको मारा एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा थी सबके पास, एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर जैसे मारा गुड़ी ज्यादा हो गई तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, मतलब इसके पास एनर्जी क्या रह गई, कम रह गई। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा रहेगा। तो सोल्वेशन के केस में सिक्वेंस बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसके केस में बनाइए, सोल्वेशन के केस में बना है। और प्लस आई इफेक्ट में क्या बना था हमारा, उल्टा बना था, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। यहां तक आया दो, एक और लास्ट की थ्योरी है, यहां तक नहीं आया था पूछ लो। हाँ ये कौन सा इफेक्ट था, ये वाला प्लस आई के केस में देखा था हमने, ठीक है। आई इफेक्ट क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फेंकने वाले ग्रुप, तो हमने देखा था यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री में तीन आ रहे, तो जैसे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन फेंक रहे थे है ना, तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही थी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहेगा वही तो डोनेट कर पाएगा। फिर हमने देखा किसका केस, सोल्वेशन का केस, सोल्वेशन में क्या हो रहा था, वाटर मोलिक्यूल जुड़ रहे थे, और जितने ज्यादा वाटर मोलिक्यूल जुड़ेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी है ना, सोल्ट जो बनेगा वो इतना ही स्टेबल होगा, तो लेस एनर्जी मोर स्टेबल। तो इस कंडीशन में क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, लास्ट है हमारा स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके नोट्स तो मिल गए ना आपको, नोट्स मिल गए, नोट्स में पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब देखो कुछ नहीं है, मैं पूछू अगर आपसे, ग्राउंड है एक खाली मैदान है, और आपको बोला जाए फुटबॉल लिया, अकेले हो आप, तो फुटबॉल आसानी से ला सकते हो, ला सकते हो ना, जाना है उठाना और ले आना। लेकिन अगर वो ग्राउंड भरा हो, क्लाउड हो, और मैं बोलूं फुटबॉल लाओ, तो आप ला सकते हो क्या, फुटबॉल मतलब लोन पे लाना है आपको, आप ला सकते हो क्या, दिक्कत आ जाएगी ना। तो वही है स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब एक बाधा। तो यहाँ पर देखो इसके केस में देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन को देखो लोन पे डोनेट करना है, तो यहाँ तो एक ही बाधा है, साइड से जा करके लोन पे डोनेट कर देगा। लेकिन 2 डिग्री के केस में देखो आप, यहाँ पर दो स्टेरिक मतलब क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का, अब लोन पे डोनेट करना है इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही। लेकिन 3 डिग्री में तो देखो आप लोग, अच्छा खच ग्राउंड भरा हुआ है, ये अगर इसको लोन पे डोनेट करना है तो कैसे करेगा, तो सबसे आसानी से कौन करेगा इस केस में, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 6 डिग्री। तो हाँ, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का केस क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस का केस क्या बन जाएगा हमारा, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और टू डिग्री 6 डिग्री, डिग्री ये तीनों केस आ जाएंगे, तीनों केस समझ में आ गए।
तीनों पे जाना चाहिए आपको, है ना। पहला कौन सा देखा ना हमने, प्लस आई इफेक्ट देखा। प्लस आई इफेक्ट में क्या कर रहे हैं हम, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप थे है ना उसका बेसिक नेचर क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा लोन इलेक्ट्रॉन को आसानी से फेंक पाएगा। दूसरा हम देखा सोल्वेशन, जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और लेस एनर्जी वो क्या रहेगा, मोर स्टेबल, और स्टेबल रहेगा तो लोन पर आसानी से डोनेट करेगा, अगर स्टेबल नहीं है तो लोन पर तो वापस खींच लेगा ना। फिर हमने देखा कौन सा, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब एक बाधा आ गई। तो यहाँ पर देखो इसका क्लाउड ज्यादा है, इसको अगर लोन पर डोनेट करना है तो इसको टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर कम हो जाएगा। अब ये तीनों का कॉन्सेप्ट है हम इसको कल पढ़ेंगे। हाँ यस।